हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इट लुकी सर अनलिमिटेड स्टडीज ओन सो स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस क्लास वन डायमेंशन मोशन चल रहा था और हमने लास्ट क्लास में यहां तक ये क्वेश्चन कर लिया था बच्चों आई होप आप लोग को याद होगा ये कर लिया था ठीक ना आगे का क्वेश्चन देखते देखिए ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन वेयर देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो बहुत ही सिंपल है भाई रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी सेम होगी बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी इज इक्वल्स टू होता है वी ए माइनस वी वी और अगर ये जीरो है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो इसका मतलब वी ए इक्वल टू वी बी मतलब दो पार्टिकल के आपको ग्राफ बनाने हैं हैविंग द सेम वेलोसिटी तो दोनों के स्लोप क्या होंगे सेम तो यहाँ पर देखिए दोनों का थीटा सेम है तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या होगी सेम होगी क्लियर है ना बोलो डन यस चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर मार्क्स यानी बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो देखते हैं ओके okay. ये थोड़े से क्वेश्चन ये डिफ़िकल्ट लेवल के हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक दो आएंगे ज़्यादा नहीं आएंगे एक ही आएगा ओके okay? <coughs> और इसको करने के लिए आपका मोशन बहुत अच्छा होना चाहिए एक एडवांस लेवल तक का होना चाहिए ऑन अ टू लेन रोड अ कार ए इज़ ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 सिक्स किलोमीटर पर आवर टू कार्स बी एन सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 54 किलोमीटर ईच एट अ सर्टिन इंस्टेंट वेन द डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ए सी बोथ बींग वन किलोमीटर बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज वॉट मिनिमम एक्सल्रेशन ऑफ कार बी रिक्वायर टू अवॉयड इन एक्सीडेंट बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है डाइग्राम के थ्रू मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑन अ टू लेन रोड कार ए इज़ ट्रेवलिंग विद ए स्पीड थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर भाई साहब देखिए कार ए जो है वो स्पीड से चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर ठीक ना? टू कार बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शंस, टू कार बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शंस, विद स्पीड 50 कोर देखो भाई एक कार बी इधर से आ रही है और एक कार सी इधर से आ रही है ठीक है ना मतलब एक कार बी यहाँ से आ रही है और एक सी यहां से आ रही है आप मन में डायग्राम फील कर रहे हो ना एक कार ए चल रही है ठीक है ना और बी और सी जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है एक कार ए टू कार बी सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर तो ये भी 54 है और ये भी 54 है है ना जी ये भी 54 सेम <coughs> स्पीड से आ रही हैं अब देखो अगर नॉर्मल स्पीड से आ रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो तो कहीं ना कहीं टकरा जाएंगी और लेन सिंगल है टू लेन रोड है तो भाई एक में तो कार आ रही है इस तरफ और ये दोनों एक इस तरफ आ रही है एक इस तरफ आ रही है मतलब दोनों लेन भरे हुए हैं दोनों लेन क्या हुए हैं भरे हुए हैं <णल Fine foreigners> क्योंकि एक दो लेन है तो एक इधर लेन पे जाएगा और एक इधर लेन पे जाएगा इसी को तो टू लेन रोड बोलते हैं तो ए तो इस लेन पे आ रहा है ए के पीछे बी भी इसी लेन पे आ रही है बोलो yeah. हाँ और सी दूसरे वाले लेन पे आ रही है ठीक है ना अब यदि ए और सी अकेले अकेले होते तो निकल जाते अब मुसीबत किसकी है बी की है ना बी की मुसीबत है अब आइए देखते हैं होता क्या है तो एट एट अ सर्टेन इंस्टेंट किसी मोमेंट पर व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी मतलब जिस समय ए की बी से दूरी और ए की सी से दूरी क्या है इक्वल है क्लियर है मतलब जितना दूरी ए से बी है उतना दूर ए से सी है ओके okay. उस मोमेंट पर व्हेन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बींग वन किलोमीटर बोथ बींग एट वन किलोमीटर मतलब ये जो हैं एक दूसरे से एक किलोमीटर की दूरी पर हैं किससे हैं बोथ बींग वन किलोमीटर बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बी सोचता है बी कहता है मैं ओवरटेक करूंगा बी क्या कहता है बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बी कहता है मैं ए को ओवरटेक कर जाऊंगा बिफोर सी डस जिस सी करे उससे पहले मैं ओवरटेक कर जाऊंगा वट इज़ द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी बी का एक्सेलरेशन कितना होगा जिससे कि एक्सीडेंट ना हो बोलो क्लियर हो गया समझ में रिलेटिव yes. वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा इसमें आइए देखते हैं करते हैं इसको तो वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल टू थर्टी सिक्स किलोमीटर आवर यानी टेन मीटर पर सेकेंड कार बी की पंद्रह मीटर पर सेकेंड और कार सी की फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड बिल्कुल दोनों की सेम है ठीक yes. है ना ये ए है अब <coughs> ये बी है और ये सी है ठीक है ए और बी सेम डायरेक्शन में मान लो और सी अपोजिट डायरेक्शन में मान लो क्लियर है नाउ ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बे विद रिस्पेक्ट टू ए बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में वी बी माइनस वी एट इज इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड है वो फाइव मीटर पर सेकेंड है ठीक है और द वेलोसिटी ऑफ कार सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा वी सी माइनस माइनस वी ए क्योंकि वी सी इधर आ रही है और वी ए इधर आ रही है सो so कितना हो गया ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड मतलब जो सी की स्पीड है जो ए को सी आती दिखेगी वो कितना जोर से दिखेगी पच्चीस से yeah. और ये कितने से आती दिखेगी पाँच से समझ गया ना yeah. मतलब जो बी वाली कार है बी वाली कार जो दिखेगी ए को आते हुए ए को आते हुए किस रेट से दिखेगी पाँच मीटर पर सेकेंड और ये जो आते हुए दिखेगी कितने से दिखेगी पच्चीस मीटर पर सेकेंड ठीक है चलो अब एक मोमेंट पर एट अ सर्टेन बोथ कार बी एंड सी आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम कार ए सॉरी बेटा यहां पे दोनों की डिस्टेंस नहीं थी खुद की अलग अलग डिस्टेंस थी वन किलोमीटर क्या थी वन किलोमीटर कार ए से कार ए से डिस्टेंस कितनी है वन किलोमीटर मतलब A इक्वल डू कितने किलोमीटर वन किलोमीटर यानी वन थाउजेंड मीटर बोलो ये सोनू क्लियर हाँ अब जो कार सी है उसको इस वन किलोमीटर को करने में कितना टाइम लगेगा देखो भाई साहब कार सी है उसको वन किलोमीटर करने में कितना टाइम लगेगा ए और सी बोलो हाँ भाई ए भी तो मूव कर रही है और सी इधर आ रही है बोले सोनो तो मूवमेंट के चलते जो रिलेटिव स्पीड बनी है वो कितनी बनी है ट्वेंटी फाइव और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वन किलोमीटर यानी वन थाउजेंड मीटर तो वन थाउजेंड डिस्टेंस अपॉन टाइम सॉरी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वन थाउजेंड अपॉन ट्वेंटी फाइव मतलब कितने सेकेंड फोर्टी सेकेंड में ये आ जाएगी कितने सेकेंड में आ जाएगी ये फोर्टी सेकेंड में ये कार आ जाएगी ठीक है हाँ मतलब 40 सेकेंड में कार जो है 40 सेकेंड में एक हज़ार किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी 40 सेकेंड में एक हज़ार किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी कर लेगी ना 40 सेकेंड में इनके बीच का एक हज़ार किलोमीटर का ट्रेवल हो जाएगा हैंस टू अवॉइड एक्सीडेंट बी मस्ट कवर द सेम डिस्टेंस मैक्सिमम ऑफ 40 सेकंड। अब अगर 40 सेकेंड में ये डिस्टेंस 1000 कवर कर रही है कार बी एंड सी एट अ सेम डिस्टेंस और देखो सेम डिस्टेंस है और अपने पास इस वाले कार की रिलेटिव स्पीड जो आई है सेकेंड वाली कार की वो ट्वेंटी फाइव आई है अगर कार भी ओवरटेक करना चाहती है इसको बी कार कार ए जो है सी को अगर ओवरटेक करना चाहती है तो, तो इसको 40 सेकेंड में ये डिस्टेंस 1000 की कवर करनी पड़ेगी इससे ज़्यादा समझ में आ रहा है yeah. 40 सेकेंड में इससे ज़्यादा की डिस्टेंस हैंस टू अवॉइड एन एक्सीडेंट कार बी मस्ट कवर द सेम डिस्टेंस इन मैक्सिमम 40 सेकेंड क्लियर yeah. yeah. भाई इसको आने के मौके ना दे 40 सेकेंड में में ये एक हज़ार चल रही है वो एक हज़ार के भी ऊपर चली जाए yeah. समझ गए ना क्लियर yeah. हो गया हम मिनिमम एक्सलेशन निकाल लेते हैं तो ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट कितना है इस कार का और इस कार का वन थाउजेंड कितना है मगर इस कार की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है फाइव तो यू टी फाइव इंटू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए एक्सेलेशन ए इंटू टी का स्क्वायर टाइम कितना चालीस सॉल्व करने पर आंसर कितना आ गया वन मीटर पर सेकंड तो मिनिमम इतना एक्सेलेशन होगा तो कार जो होगी ये वाली इसको ओवरटेक करके चली जाएगी और एक्सीडेंट नहीं होगा ठीक है क्लियर हो गया भाई क्या था एक कार बीच में थी एक कार इधर से जा रही थी एक कार इधर से आ रही थी ये वाली कार ऐसी है ठीक है ना ये वाली कार ऐसी है हमको बताना है कितना एक्सेलरेशन होगा कि जब ये कार यहाँ पर पहुँचेगी उसके पहले यह इसको ओवरटेक करके क्योंकि देखो इसका रास्ता ये वाला है इसका रास्ता क्या है ये वाला है तो इसको ये ओवरटेक करके निकल जाएगी समझ गए ना क्योंकि देखो ये जो कार है इसको खाली लेन चाहिए ना इसको क्या है ये स्पीड अप हो रही है तो इसको खाली लेन देने के लिए ये कार जो है इसके आगे निकल जाए तो इसके आगे निकलने के लिए जो एक्सलेशन मांग रहा है वो कितना होगा वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक yes. है समझ में आ गया yes. चलिए अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जाम्पल द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समाइम कॉल डिस्टेंस ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई अ पार्टिकल ओवर इंटरवल ऑफ टाइम तो देखिए भाई आंसर दे देता हूँ मैं uh, क्या मांगा है एक्स क्लियरली विद एग्जाम्पल डिस्टिक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल लेंथ में डिफरेंस मांगा है तो कोई डिफरेंस टोटल दोनों सेम ही होते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल द टोटल पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई पार्टिकल इन गिवेन इंटरवल ऑफ टाइम तो दोनों सेम होते हैं टोटल पाथ लेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज एक्चुअल पाथ लेंथ स्ट्रेट लाइन मोशन है फॉर एग्जाम्पल सपोज अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देन कम्स बैक टू पॉइंट सी टेकिंग द टोटल टाइम टू अ सोन बिलो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल इज ए सी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा क्या कह रहा है ये डिफरेंस बताया है अगर कोई पार्टिकल ए से बी गया है और बी से फिर कहाँ आया है सी आया है तो जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो क्या बनेगा ए सी मगर जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा पहले सॉरी डिस्टेंस जो बनेगी पाथ लेंथ ए से लेके बी और फिर बी से लेके सी तो कुछ नहीं है एक्सप्लेन ही करना था इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट नोट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द टोटल पाथ लेंथ मतलब कि जो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होता है हाउ एवर इन सम केसेस बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर किस में इक्वल होगा वन डायमेंशन मोशन केवल एक ही तरफ जहाँ मूवमेंट होगी तो वहाँ इक्वल होगा सेकेंड एक्सप्लेन करो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड इन द सेम इंटरवल दोनों को एक्सप्लेन करना है तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है ना वेन दीज इक्वालिटी साइन ट्रू कहाँ की इक्वालिटी बोल रहा है टोटल पाथ पाथलिम शो दैन ए एंड बी द सेकेंड क्वान्टिटी आइदर ग्रेटर कह रहा है कि शो करो कि ये जो होती है एवरेज स्पीड बड़ी होती है. क्यों ना हो भाई क्योंकि एवरेज स्पीड किस पे डिपेंड करती है डिस्टेंस पे एंड जैसे इसी क्वेश्चन को देख लिया जाए तो अगर आप टाइम टी में कार बात कर रहे हो तो टाइम टी में जो डिस्टेंस है वो क्या बन रही है ए बी प्लस बी सी अपॉन टाइम टी बन जाएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन टाइम टी और जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो क्या बनेगा ए सी अपॉन टी सो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी बन गया ये और एवरेज स्पीड बन गया ये अब क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है इसलिए ये क्या होगा बड़ा होगा इसलिए एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज स्पीड जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से क्या होगी बड़ी होगी क्लियर है ना average speed is greater than or equal to average velocity. Yeah. next question, question number three. <coughs> yes, question number three. figure 3.23 gives plot of the particle executing one dimension motion. सिंपल हारमोनिक मोशन यू विल लर्न द मोशन मोर डिटेल चैप्टर नंबर फोटीन भाई साहब चैप्टर नंबर फोर्टीन का कंसेप्ट है गिव द साइन द पोजीशन वेलासटी एन एक्सलेशन तो भाई साहब मैं केवल आपको यहाँ पर पोजिशन एक्सलेशन टाइम वगैरह का ग्राफ साइन बता सकता हूँ देखो है ये क्या है बेटा ये डिसप्लेसमेंट और यह है टाइम ये डिसप्लेसमेंट टी इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड बेटा ये जीरो पॉइंट जीरो है और ये वन है तो यहाँ पर क्या होगा ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव और यहां पर कहीं पर होगा जीरो पॉइंट थ्री यहां पर कहीं पर होगा जीरो पॉइंट थ्री तो यदि मैं टेंजेंट खींचूंगा तो कैसा एंगल बनेगा ऑप्टिज़ एंगल क्या बनेगा ऑप्टिज़ एंगल ये सो नो तो आंसर क्या आएगा इसका निगेटिव क्या आएगा निगेटिव देखिए क्या क्या बताना आपको गिव द साइन ऑफ वेल पोजिशन वेलास्टी एंड एक्सेलरेशन तो तीनों के साइन बताने नंबर वन पोजिशन के तो पोजिशन तो साफ साफ दिख रही है निगेटिव पोजिशन क्या है नेगेटिव तो देखो मैं टाइम लिख देता हूँ टाइम है यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री वन पॉइंट टू एंड माइनस वन पॉइंट टू चलो तो सबसे पहले मैं पोजीशन का निशान बता जीरो पॉइंट थ्री जीरो के थोड़ा सा आगे पोजीशन क्या है नेगेटिव बोलो यह सुनो वन पॉइंट टू वन के थोड़ा सा आगे पोजीशन क्या है पॉजिटिव और माइनस वन पॉइंट टू तो माइनस वन बेटा यहाँ पे होगा और माइनस वन पॉइंट टू भी क्या होगी नेगेटिव मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बोलो समझ में आया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वेट तो मतलब इन्हीं का डायग्राम सही क्या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1.2 पॉइंट टू वन पॉइंट टू पे कहाँ निगेटिव आ रही भाई साहब पोजिशन तो 1.2 पॉइंट टू पे पॉजिटिव है पोजिशन तो 1.2 पॉइंट टू पे पॉजिटिव दे रही है ठीक है ना तो पोजिशन जो है आंसर अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक इन लोगों ने क्या कर रखा तीनों चीज एक साथ बता दी है पोजिशन वेलॉसिटी एक्सलेशन तो हमको मतलब है ये देखो ध्यान से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पहली पोजीशन क्या है नेगेटिव है 0.3 पे देखो बेटा yes. 0.3 पे क्या है नेगेटिव है <coughs> है ना जीरो पॉइंट थ्री पे क्या है निगेटिव है तो निगेटिव फिर वन पॉइंट टू पर क्या पॉजिटिव बिल्कुल सही है अगला नेक्स्ट वेलासिटी क्या बोली है वेलासटी तो वेलासिटी बेटा जीरो पॉइंट थ्री पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो यहाँ पे वेलासिटी देखो जीरो पॉइंट थ्री पे स्लोप खींचोगे तो क्या आएगा गया एंगल तो यहाँ पर आएगी निगेटिव वन पॉइंट टू पर वेलासिटी पॉजिटिव आ रही है और माइनस वन पॉइंट टू पर भी जो आएगी पॉजिटिव आएगी देखो यहाँ पर माइनस वन पॉइंट टू यहाँ आएगा और इस पर स्लोप खींचोगे तो क्या एक्यूट एंगल तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव आएगी तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव समझ में आ गया क्लियर yes. है yes. अब तीसरी चीज पूछी है एक्सेलरेशन यार ये कैसे निकाला जाए एक्सेलरेशन भला एक्सटी ग्राफ में आप कैसे निकाल लोगे ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वेलोसिटी पता चल सकती है एक्सेलरेशन तो पता चलने का कोई रोल है ही नहीं है तो इसमें हम एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी नहीं हम इसमें एक्सेलरेशन आपको नहीं बता सकते है ना क्यों बेटा कौन सा ग्राफ है बोलो कौन सा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भला एक्सेलरेशन कैसे बता दिया आपको नहीं बताया जा सकता है ना केवल आपको क्या बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं और वेलोसिटी तो दो चीज़ें बता दी एक्सलेशन के लिए आपको चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या चाहिए है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है न ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन भाई साहब जेई का क्वेश्चन है बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये अगला जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं जेई लेवल का क्वेश्चन है ऑन ए लॉन्ग हॉर्जोनली मूविंग बेल्ट एक मूविंग बेल्ट है बेटा चल रहा है वो बेल्ट चिल्ड चाइल्ड रनस टू एंड फ्रो विद स्पीड ऑफ नाइन किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट मतलब बेल्ट के ऊपर जो है बेल्ट के ऊपर जो इसकी स्पीड है क्या है स्पीड है नाइन किलोमीटर पर आवर ये बेल्ट है ये बच्चा आगे पीछे जा रहा है आगे जाता है फिर पीछे आता है आगे जाता है फिर पीछे जाता है समझ गए ना और बेल्ट के ऊपर इसकी स्पीड कितनी है नाइन किलोमीटर पर आवर नाइन किलोमीटर पर आवर अब एक चीज़ देखना बेल्ट तो एक तरफ चलेगा बेल्ट दो तरफ तो चलेगा नहीं देखा होगा ना बेल्ट ऐसे ऐसे घूमता है है ना वो एयरपोर्ट वगैरह में ट्रॉली रहती है उसमें बेल्ट ऐसे ऐसे घूमता जाता है तो बच्चे की स्पीड क्या है चाइल्ड की स्पीड क्या है नाइन किलोमीटर पर आवर क्या नाइन किलोमीटर बराबर और जो बेल्ट भाग रहा है वो कितने से भाग रहा है चार से तो जब बच्चा इधर जाएगा तो नाइन और फोर ऐड हो जाएंगे तो थर्टीन लगेगा तो यहाँ पे इसकी मम्मी खड़ी हुई है इसको थर्टीन की स्पीड से आता दिखाई देगा और जब उल्टा चलेगा तो बच्चा इधर चलेगा नाइन बट बेल्ट चलेगा पीछे फोर से तो क्या हो जाएगा नाइन माइनस फोर मतलब इसके पापा को कितने से लगेगा फाइव से बोलो क्लियर हो गया हाँ ठीक है ये लिखा हुआ है बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड एट फिफ्टी मीटर अपार्ट दोनों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर है ना दोनों के बीच की दूरी में 50 मीटर पार्ट है द बेल्ट मूव विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर बेल्ट 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ऑब्जर्वर स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड वॉट इज द नंबर वन स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट जो एक बाहर बंदा खड़ा हुआ है वो अगर बेल्ट की तरफ दौड़ रहा है तो बाहर खड़े हुए बंदे को उसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी थर्टीन नौ yeah. खुद की और बच्चे की चार बोलो हाँ तो उसको कितने की दिखाई देगी थर्टीन की आ गई बात समझ में ना दूसरा स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट बोलो कितनी दिखाई देगी फाइव पक्की बात फाइव दिखाई देगी ठीक है जी बेटा थर्ड टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी दोनों में टाइम कितना लगेगा तो भैया बहुत ही सिंपल है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितनी है पचास पचास पे खड़े हैं ना और स्पीड अपनी वही जो दे रखी है दो तो निकाल रही है ठीक है ना तो डिस्टेंस बिटवीन द चाइल्ड फिफ्टी बोलो हां अब नाइन किलोमीटर पर आवर से जब चलता है है ना जब जो है हाँ देखो अब अब नाइन क्यों लगेगा क्योंकि पेरेंट्स खुद भी क्या है मूविंग बेल्ट पे खड़े हुए हैं ना तो <coughs> पेरेंट्स <coughs> 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 <toh>, किस पे खड़े हुए हैं मूविंग बेल्ट पे तो पेरेंट्स के लिए तो वेलोसिटी कितनी काउंट होगी जितने में बच्चा दौड़ रहा है बस क्योंकि तो वो भी तो बेल्ट के साथ ही खड़े हुए हैं देख लो ये देख लो हाँ है ना तो बेल्ट भी चलता जा रहा है और पेरेंट्स भी आगे बढ़ते जा रहे हैं तो केवल बच्चे की वेलोसिटी काउंट होगी हाँ है ना तो बच्चे रिलेटिव में इनके कितने से चलेगा नाइन से चलेगा तो आंसर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड सॉरी तो आपको निकालना टाइम डिस्टेंस कितनी फिफ्टी अपॉन क्या नाइन किलोमीटर पर आवर को क्या लिखेंगे टू मीटर पर सेकेंड डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया ट्वेंटी सेकेंड क्लियर है सो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से ये भी हो गया डन अपना चलो ठीक है ना yes. आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन डी पार्ट भी है क्या है डी पार्ट भाई विच ऑफ द आंसर अल्टर इफ मोशन इज व्यूड इन द वन ऑफ द पेरेंट्स विच ऑफ द आंसर अल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाई वन ऑफ द पेरेंट्स कौन सा आंसर बदल जाएगा अगर मोशन जो है एक पेरेंट्स के द्वारा देखा जाए तो ये वाला आंसर ऊपर वाला आंसर स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग क्योंकि भैया जो इंसान देख रहा है वो बाहर से देख रहा है हाँ है ना देख रहा कि नहीं देख रहा है तो वो बेल्ट के मोशन को जोड़ करके देखेगा बट यदि पेरेंट्स देखेगा तो वो बेल्ट का मोशन क्या हा? हटा देगा ना क्योंकि खुद भी तो बेल्ट पे खड़ा है तो आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे तो आंसर ए एंड बी विल बी गेट अल्टर्ड अल्टर्ड मतलब बदल जाएंगे क्योंकि ए और बी देखे कि इंसान ने बाहर वाले दिखाए हैं और अगर पेरेंट्स देखेगा तो रिलेटिवली मोशन में फिर उसकी स्पीड कितनी चलेगी नाइन मीटर पर सेकेंड सॉरी नाइन किलोमीटर पर आवर समझ में आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है <coughs> चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये फिफ्थ वाला आपको नहीं करना है ये प्लेन जेई का क्वेश्चन है है ना तो इसको मैं ड्यू कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों ठीक है ना इसको मत करो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत ही बड़ा ये देख लो अभी तक चलिए नेक्स्ट <coughs> <coughs> हाँ भाई अब कह रहा है कि आपको इसमें एक्सेलरेशन बताना है इन फिगर 3.25 पॉइंट टू फाइव की स्पीड ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन अलॉन्ग कॉन्स्टेंट डायरेक्शन थ्री इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर शोन इन विच इंटरवल द एवरेज एक्सलेशन इज ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड इन विच इंटरवल एवरेज एक्स स्पीड इज ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड इक्वल टू कह रहा कि किस इंटरवल में एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी तो भैया देखिए डी वाले में स्पीड सबसे ज़्यादा जा रही है जा रही है ना yes. तो डी वाले में जो एवरेज स्पीड निकलेगी वो क्या निकलेगी सबसे ज़्यादा yes. चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कॉन्स्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव द साइन ऑफ द वेलॉसिटी एंड acceleration इन द थ्री इंटरवल वॉट आर द acceleration एट द पॉइंट ए बी सी डी पांच पॉइंट पे आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है ठीक है ना चलिए ठीक है अब सबसे पहले पूछ रहा है कि बताइए एक्सेलरेशन सबसे ग्रेटेस्ट किस में होगा तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है चेंज इन स्पीड तो सबसे ज़्यादा स्पीड का चेंज किस में आया है बी में बी में डी में नहीं है डी में डी में एवरेज स्पीड ज़्यादा है एक्सलेशन ज्यादा नहीं है एक्सलेशन yes. क्या होता है चेंज इन स्पीड चेंज इन वेलोसिटी तो देखिए सबसे ज़्यादा एवरेज एक्सलेशन किस में काउंट होगा इंटरवल टू में yes. किस में होगा काउंट टू yes. में एवरेज स्पीड किस में काउंट होगी थ्री में yes. हाँ या ना yes. अब वेलोसिटी पॉजिटिव किस में है yes. देखो वेलोसिटी पॉजिटिव बेटा यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल बनेगा ना पॉजिटिव ये निगेटिव है बेटा यहाँ वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है नेगेटिव यहाँ पे जीरो है तो मतलब इंटरवल जो फर्स्ट है वेलासिटी इज पॉजिटिव इन इंटरवल वन टू एंड थ्री एक मिनट हाँ ठीक है पॉजिटिव ही तो है सॉरी गलती हो गई है इसलिए क्योंकि ये जो स्लोप वाला कंसेप्ट लगता है बेटा वो लगता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे किस पे लगता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलासिटी देती है यहाँ तो ऑलरेडी स्पीड है तो इसमें ये भी प्लस है ये भी प्लस है और ये भी yes. प्लस है मतलब ए बी सी तीनों में ही क्या है वन टू थ्री में तीनों में क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है यह yes सोनो अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव किस में है ये देखो इसमें स्लोप क्या है पॉजिटिव है ना yes. तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ये थोड़ा डायग्राम यहाँ पे क्लियर नहीं है हाँ बी में एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव है बी में एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव टू पॉइंट पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है टू पॉइंट पर और थ्री पॉइंट पर एक्चुअली क्लियर नहीं है थ्री पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो लग रहा है मेरे को क्या लग रहा है जीरो yes. क्योंकि ये फ्लैट हो गया क्या हो गया फ्लैट हो गया है. तो वन और टू में तो एक्सेलरेशन जो अपना वन पे पॉजिटिव है टू पे नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इन इंटरवल वन निगेटिव इन इंटरवल टू बोलो हाँ निगेटिव इन इंटरवल टू क्लियर है बन yes. जाएगा ना yes. हाँ या ना yes. हाँ तो इंटरवल इस इंटरवल पे जो एक्सलेशन है वो क्या है पॉजिटिव है अच्छा ए बी सी पर देखो ए पर क्या हो गया बेटा पैरेलल लाइन जो स्लोप खींचोगे आप क्या आएगा पैरेलल लाइन फ्लैट बी पर भी क्या है फ्लैट पैरल लाइन और डी सी पर भी क्या है पैरल लाइन और डी पर भी क्या है पैरल लाइन तो ए बी सी डी पर थीटा कितने डिग्री है जीरो डिग्री तो टेन थीटा कितना आएगा टेन जीरो टेन जीरो. जीरो मतलब कितना जीरो मतलब इन पर एक्सलेशन कितना है जीरो है तो एक्सलेशन इज जीरो ए बी सी एंड डी डन चार पॉइंट पर एक्सलेशन आपका जीरो है बोलो क्या पूछना चाहते हो बच्चों इसमें कुछ डाउट है क्या कोई डाउट है बेटा इसमें पक्का चलो ठीक है चलिए <coughs> अब आ गए हैं न्यूमेरिकल ठीक है बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सरल सरल न्यूमेरिकल है आइए वी टी ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट मेक 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सेलेशन भाई साहब बहुत ही सिंपल है एक्सेलेशन क्या होता है वीटी ग्राफ का स्लोप होता है वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब पहला एक्सेलेशन हो जाएगा टेन थर्टी और दूसरा हो जाएगा टेन सिक्सटी तो आंसर रेशियो निकालना है तो पहले का टेन थर्टी दूसरे का टेन 60, क्योंकि आपको पता होगा कि जो vt ग्राफ होता है vt ग्राफ का जो स्लोप होता है टेन थीटा वो किसके इक्वल होता है एक्सेलरेशन के तो एक्सलेशन का रेशियो पूछा है, तो पहले एक्सेलेशन में दूसरा एक्सलेशन डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत पक्का चलिए कार इज मूविंग अलॉन्ग एक्सेस एज शोन इन फिगर इट मूव्स जीरो टू इन एटीन सेकेंड एंड रिटर्न पी टू क्यू इन सिक्स सेकेंड वॉट इज द एवरेज बेलॉस्टी एंड एवरेज स्पीड भाई डायग्राम तो दिखा दो ये है जीरो टू पी कहाँ है भाई साहब पी पी ढूंढो पहले पी ये दिख रहा है दिख गया जीरो टू पी इन एटीन सेकेंड टू डिस्टेंस कितनी है थ्री सिक्सटी बोलो हाँ yes, तो ओ टू पी हा फाइंड द एवरेज स्पीड ओ टू पी एंड ओ टू पी एंड बैक टू क्यू तो सबसे पहले ओ से लेकर के पी तक की स्पीड निकालते हैं बेटा तो ओ से लेकर पी तक की स्पीड देखो डिस्टेंस कितनी है तीन और टाइम कितना है अठारह तो तीन सौ साठ कितना हुआ बीस तो आंसर हो गया बीस मीटर पर सेकेंड बोलो हाँ स्पीड भी कितनी हुई 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी भी क्या हुई 20 मीटर पर सेकंड अब देखो ओ से लेके पी जाना और पी से ले वापस कहाँ पे आना क्यू पे बोलो हाँ तो भैया ओ से लेकर के पी की डिस्टेंस 360 और 360 से लेकर 240 मतलब कितना कवर कर गया 120 मतलब टोटल कितना हो गया 480 बोलो हाँ टोटल कितना हो गया 480 अब 480 में हमको निकालना है टाइम टाइम कितना चला है टाइम देखो भाई साहब 18 हाँ 18 और देखो 18 से 12 मतलब 6 का गैप है बोलो हाँ तो पहले अठारह गया होगा और फिर छः सेकेंड इधर आया होगा तो कितना हो गया वो चौबीस बोलो हाँ या ना तो अब एवरेज स्पीड निकालते हैं बोलो एवरेज स्पीड कितनी हो गई थी तीन सौ साठ तीन सौ साठ और एक सौ बीस कितना हो गया था तीन सौ साठ एक सौ बीस कितना हुआ चार सौ अस्सी बटे टाइम कितना है अठारह और 6 चौबीस बोलो हाँ चौबीस दूनी कितना अड़तालीस आंसर बीस मीटर पर सेकेंड आ गई एवरेज yes. स्पीड आ गई yes. कि नहीं आई अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं क्या निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी yes. तो भैया डिस्प्लेसमेंट होता है नियरेस्ट यहाँ से यहाँ तक की कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है 240 तो है यस yes. yes की नो yes. तो भैया 240 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना है 24 कैंसिल हो गया बोलो कितना 10 मीटर पर आ गया ना yes. कोई दिक्कत बच्चों yes, ग्राफ दिया खतरनाक सा चलिए अगला क्वेश्चन आप आप लोग अपनी कॉपी में करिए मैं नहीं बताऊंगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कई बार कराया चलो करो देखिए बच्चों इसका कंसेप्ट मैंने आपको कराया था मैंने आपको बताया था जब रास्ता इक्वल होता है जब रास्ता क्या होता है इक्वल यानी कि जितने डिस्प्लेसमेंट यहाँ उतनी डिस्प्लेसमेंट वहाँ एस एस की डिस्प्लेसमेंट होती है यहाँ की स्पीड होती, होती है वी वन और यहाँ की स्पीड कितनी होती है वी टू तो बच्चों उस समय वी एवरेज आता है टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू ये फॉर्मूला बनता फाइनली कैसे बनता है ये लिखा नीचे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो डिस्टेंस एस एस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एस अपॉन वी वन एस अपॉन वी टू एस एस ले कैंसिल टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस बस क्लियर है कह रहा है कि भैया एवरेज स्पीड जो दी गई है चालीस दी गई है मतलब ये कितना दिया गया है फोर्टी कितना दिया गया है फोर्टी और फर्स्ट हाफ में टू फर्स्ट हाफ में जो एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है मतलब V1 कितना हो गया 30 V2 टू लापता है और V1 की जगह 30 प्लस कितना V2 अब सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा अब तो क्लियर है ना चलो भाई कर देता हूँ मैं थर्टी है ना तो देखिए फोर्टी इक्वल्स टू टू इंटू थर्टी कितना हो गया सिक्सटी वी टू है ना और यहाँ पर एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर ले जाओ तो ये हो गया थर्टी प्लस वी टू हुआ कि नहीं हुआ चलो जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल और फोर का मल्टीप्लाई फोर थर्टी जब वन ट्वेंटी प्लस फोर भी टू इक्वल टू सिक्स वी टू क्लियर हुआ yes. फोर वी टू इधर माइनस हो गया तो कितना बच गया टू वी टू इक्वल okay. टू कितना वन ट्वेंटी तो वी टू इक्वल टू वन ट्वेंटी अपॉन टू आंसर कितना हुआ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर आ गया ना समझ बच्चों yes. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्सटी किलोमीटर पर आवर बोलिए अगर हम कैसे भी तो कर तो कैसे भी करोगे बेटा सेम आंसर आएगा कुछ भी कर लो सेम आंसर आएगा अब डिवीजन कैसे कर पाओगे भाई ये अननोन क्वांटिटी है डिवाइड करने वाली थोड़ी ना चीज़ है प्लस में कभी कैंसिल नहीं होता अकेला होता तो कैंसिल होता नीचे प्लस में है डिस्ट्रीब्यूट तब होता है जब अकेला होता है ठीक है बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल फाइंड द पोजीशन वेलॉस्टी एंड एक्सलेसन एट पार्टिकल टीक टू जीरो बहुत ही सिंपल है सबसे पहले पोजीशन निकालनी तो यहाँ पे टी क्वल टू जीरो डाल दो तो पच्चीस आ जाएगा तो पोजीशन टी कल टू जीरो पर कितनी है पच्चीस क्यों क्योंकि पोजीशन का तो वेरी फॉर्मूला दिया हुआ है अब टी क्वल्ट टू जीरो पर पोजीशन मतलब टाइम टी जीरो डाल दीजिए कितनी हो गई पोजिशन ट्वेंटी कितनी हो गई ट्वेंटी देन इसके बाद वेलास्टी मांग रही बच्चों तो आपको पता है ना डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स बाई डी आ जाएगा और फिर एक्सलेशन निकालना तो जो वेलास्टी आई है उसको क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो डी वी कर लोगे छोड़ दूँ आपके भरोसे एकदम सिंपल क्वेश्चन है चलो अगला क्वेश्चन है हाँ ब्रेक वाला क्वेश्चन है ए ड्राइवर टेक 0.20 पॉइंट टू जीरो सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक इफ यू ड्राइविंग कार एट ए रेट ऑफ फिफ्टी फोर किलोमीटर पर सेकेंड मतलब इनिशियल स्पीड है ना इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेना और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 6.0 सिक्स पॉइंट जीरो मीटर पर सेकेंड में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कार आफ्टर ही सी द नीड टू पुट द ब्रेक मतलब ब्रेक लगाने के बाद कार कितना चली है ब्रेक लगाने के बाद कार कितना चली है देखो क्या क्या दिया है तुमको टाइम दिया है क्या दिया है टाइम है ना और क्या दिया है एक्सलरेशन दिया है और इनिशियल स्पीड दी गई है ठीक है ना आपसे क्या पूछ रहा है फाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार मतलब ब्रेक लगाने के बाद जो कार है वो कितना चली है मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है क्या पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट सोचिए जरा क्या रूल लगेगा <coughs> भाई ब्रेक लगाने के साथ ही फाइनली कार रुक जाएगी तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी जीरो क्या हो जाएगी जीरो यू कितना दिया है फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर बोले सोनो और, और हमसे एस पूछ रहा है तो मोर बेटर क्या रहे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लगा दो यार लगा देंगे ना हाँ तो तो इसमें आंसर कैसे बनेगा डिस्टेंस कवर्ड 0.20 पॉइंट टू जीरो सेकेंड प्लस डिस्टेंस कवर्ड अंटिल द रेस्ट दो पार्ट में इसका आंसर बन रहा है डिस्टेंस कवर्ड 0.20 पॉइंट टू जीरो सेकेंड देखो क्यों अ ड्राइवर टेक 0.20 पॉइंट टू जीरो सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक मतलब ब्रेक लगाने के लिए उसको इतना समय लगा है मतलब सोचा है पैर रखा है इतने में उसको कितना लग गया जीरो पॉइंट टू जीरो सेकेंड तो इतने का भी पहली डिस्टेंस चलेगी तो देखो क्या है सबसे पहले 54 किलोमीटर पर आवर को अपन बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में है ना तो 54 फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव बाई एटीन तो आठ तीन चौवन मतलब हो गया कितना 15 मीटर पर सेकंड बोलो या सोनो तो 15 मीटर पर सेकंड के रेट से ट्रक चल रहा था तो सबसे पहले हम लगाते हैं जीरो पॉइंट टू जीरो सेकेंड तक के डिस्टेंस तो डिस्टेंस इक्वल टू तो स्पीड इन टाइम स्पीड इन टाइम पंद्रह गुणे टाइम कितना जीरो जीरो ये आ गया भाई साहब आपका मल्टीप्लाई कर लो इसको सौ हाँ है ना बीस yes. से पाँच बार सौ और पाँच से गया तीन तो आंसर कितना आया तीन मीटर मतलब तीन मीटर तो सोचने में ही गाड़ी चली गई इसकी बोलो यस तीन मीटर सोचने में ही गाड़ी yes. चली गई अब इसके आगे जो डिस्प्लेसमेंट लगा है वो किस फार्मूले से निकलेगा वो निकलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो इनिशियल कितने से चल रही थी पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस हाँ है ना प्लस टू एक्सलेशन कितने का लगाया भाई साहब ये देखो लगा हुआ है सिक्स का तो एक्सलेशन हमेशा निगेटिव होता है डी है ब्रेक है ना तो खुद से निगेटिव लगाओगे माइनस सिक्स बोलो हाँ इन टू डिसप्लेसमेंट कितना एस क्लियर yes. तो यहाँ चला गया तो कितना हो गया माइनस दो सौ पच्चीस इक्वल टू माइनस का बारह एस माइनस से बारह माइनस माइनस कैंसिल एस इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव अपॉन कितना तो so, दो पार्ट में आएगा आंसर एक आएगा थ्री मीटर और दूसरा आएगा टू ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेल्व तो ये पहला पार्ट आ गया कितने मीटर थ्री मीटर और दूसरा पार्ट आ गया टू ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेल्व मीटर समझ में आया भाई बस कर दो करना हो तो डिवाइड करके कुछ आ जाएगा आंसर है ना ट्वेंटी पॉइंट टेन पॉइंट समथिंग क्लियर है ना डन ना बच्चों अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड सेकेंड एंड 20 मीटर इन फोर सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन फोर सेकेंड आफ्टर द फोर सेकेंड आफ्टर द फिफ्थ सेकेंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत जुगाड़ लगा इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकेंड सेकेंड मतलब एस सेकेंड सेकेंड में बॉडी कितना चल रही है ट्वेल्व आपको पता होगा एस एंथ सेकेंड का फार्मूला होता है u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन तो पहला फार्मूला तो इससे ये बन जाएगा सेकेंड सेकेंड के लिए अभी बताता हूँ कैसे बनेगा और दूसरा 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड मतलब एस फोर्थ में कितने मीटर 20 मीटर तो दो इक्वेशन बनेंगे बच्चों ये देखिए पहला इक्वेशन बन गया सेकेंड सेकेंड का और दूसरा इक्वेशन बन गया फोरथ सेकेंड का बन गया ये देखो एक इक्वेशन ये बना एक इक्वेशन ये बना पहला इक्वेशन बना फोर प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू ट्वेल्व और दूसरा इक्वेशन बन गया फोर प्लस सेवन बाई टू इक्वल टू ट्वेंटी बोलो हाँ yes. भाई दो इक्वेशन है फोर प्लस थ्री बाई टू ए इक्वल टू ट्वेल्व और दूसरा फोर प्लस सेवन बाई टू एक्वल टू ट्वेंटी अब आपने टेंथ क्लास में लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए है ना तो टेंथ क्लास में लिनियर इक्वेशन कर रहे हैं जैसे तो उसमें से दोनों को सॉल्व करके यू निकाल लेना बेटा ये यू प्लस यू था फोर लिख दिया इसने क्या था ये यू फोर कहाँ से आएगा यू प्लस थ्री बाय टू है और ये क्या है यू प्लस सेवन बाई टू है फोर यू को फोर कर दिया देख रहे हो भाई तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लोगी u की और a की u की और एक ही अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन फोर सेकेंड आफ्टर द फिफ्थ सेकेंड मतलब कि <coughs> आपको बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन फोर सेकेंड आफ्टर द फिफ्थ सेकेंड ठीक है पांचवें सेकेंड के बाद पाँचवें सेकंड के।, के बाद अगले चार सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा देखो भाई ये है पांचवा सेकंड बोलो हाँ के बाद अगले चार सेकंड में मतलब ये एक सेकंड दो सेकंड तीन सेकंड चार सेकंड अरे भाई साहब मतलब यहां तक की दूरी कितनी हुई एस फाइव और पूरी यहां तक की दूरी कितनी हुई एस नाइन तो भैया कुल मिला के आपको क्या चाहिए यहां से यहां तक का गैप ही तो चाहिए है मतलब आपको चाहिए एस फाइव माइनस उल्टा बोल गया एस नाइन माइनस एस फाइव ये तो चाहिए ना बोले यस और नो तो आपको क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको चाहिए एस नाइन माइनस एस फाइव ठीक है S9 -S5, ना एस नाइन माइनस एस फाइव क्लियर है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे निकलेगा नहीं नहीं एस फोर नहीं निकलेगा ये एस नाइन माइनस एस फाइव यहाँ का गैप चाहिए ना बेटा एस फोर मालूम क्या निकाल दोगे तुम शुरुआत के चार सेकेंड का निकाल दोगे एस फोर आपको चाहिए एस नाइन माइनस एस फाइव मतलब नौवें सेकेंड और पांचवें सेकेंड तक का गैप चाहिए क्लियर हुआ बन जाएगा ना बता दूं चलो ठीक है एस नाइन माइनस एस फाइव तो इसको सॉल्व कर देते हैं एस नाइन माइनस एस फाइव देखिए एस नाइन माइनस एस फाइव एस नाइन इक्वल टू हो जाएगा u इंटू नाइन बोलो हाँ प्लस हाफ ए इंटू नाइन का स्क्वायर माइनस u इंटू फाइव प्लस हाफ ए इंटू फाइव का स्क्वायर ठीक है बेटा तो ये हो गया नाइन यू प्लस वन अपॉइट टू एट्टी वन ए हो गया माइनस क्या हो गया फाइव यू और प्लस माइनस कितना हो गया माइनस वन अपॉन टू ये हो गया ट्वेंटी फाइव ए क्लियर <coughs> अब नाइन यू में से फाइव यू गए तो कितना बच गया फोर यू और यहां पे प्लस एट्टी वन ए बाई टू माइनस ट्वेंटी फाइव ए बाई टू हुआ कि नहीं हुआ फोर यू प्लस अपॉन में कितना आ गया टू एट्टी वन में से ट्वेंटी फाइव को माइनस कर दो एट्टी वन एक्स फिफ्टी सिक्स ए बोलो हां फिफ्टी सिक्स कट गया तो कितना आ गया ट्वेंटी एट yes no? ये सो नो तो आंसर कितना आ गया फोर यू प्लस ट्वेंटी एट ए अब आपने मेथड से ए और यू की वैल्यू निकाल रखी थी ना यहाँ पे ये देखो यू कितना निकला था सिक्स और ए कितना निकला था फोर तो यू की वैल्यू सिक्स और ए की वैल्यू फोर तो यू की वैल्यू सिक्स तो फोर सिक्स और ए की वैल्यू फोर ट्वेंटी एट इन टू कितना फोर बोलो हाँ तो ये हो गया चौबीस और आठ चुके बत्तीस की दो फोर एट जर्टी टू आई थ्री फोर टू जाट एट, एट एट प्लस थ्री एलेवन बोलो यस सुनो तो वन हंड्रेड ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फोर यहाँ वन थर्टी सिक्स तो करेक्ट आंसर कितना आ गया वन थर्टी सिक्स मीटर समझ में आ गया ये। तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट चलेगा ये थोड़ा गलत लिखा बेटा यहाँ पे है ना क्या लिखना था इसको एस नाइन माइनस एस फाइव क्योंकि बोला क्या है बोला इसने है कि वाट विल बी द हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर फोर सेकेंड आफ्टर द फिफ्थ सेकेंड पांचवें सेकेंड के, चा, तो के बाद चार सेकंड्स में तो पांचवें सेकेंड के बाद चार सेकंड में मतलब छठवां, सतवां आठवां नौवां दसवा।, दसवा नहीं नौवा हाँ नौ तक समझ गया ना हाँ तो एस नाइन तो माइनस एस फाइव चार सेकेंड का कैलकुलेशन आ जाएगा आ जाएगा ना हाँ हाँ भाई ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर लियो भाई साहब ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ नाइनटी पॉइंट नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर तो ये गई और रिटर्न करके आ गई आ गई, गई। छः सेकेंड में फाइन द हाइट ऑफ द टावर अब भाई साहब छः सेकेंड में ट्रेवल करी है तो क्या ट्रेवल करी हाइट ही तो ट्रेवल करी है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट तो कैंसिल हो जाएंगे तो हाइट हाईटेक टू ट्रेवल करी है ये सो नो तो h इक्वल टू क्या लग जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलो ये सोनो क्लियर हो गया ना yes. h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्लियर हाँ तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो देखो भैया सबके सब कहाँ सब डाउनवर्ड लग रहे हैं ना डिस्प्लेसमेंट नेट कहाँ डाउन ये भी माइनस yes. बोलो हाँ yes. तो h की जगह देखो माइनस एच हाँ यू अपॉइड फेका का है वेलॉसटी yes. तो प्लस में 19.6 पॉइंट टाइम कितना लगा सिक्स yes. प्लस वन आ पॉइंट टू एक्सलेशन कहाँ है नेगेटिव yes. हाँ या ना yes. और टी का स्क्वायर ये भैया ये टी का स्क्वायर कितना होगा देखो सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स आएगा बेटा यहाँ पे गलत लिख दिया है टी का स्क्वायर कितना होगा गया थर्टी सिक्स yes. होगा सिक्सटी टू का एक होगा है ना हो yes. टी का स्क्वायर कितना होगा थर्टी सिक्स क्लियर आ गया नहीं है बन जाएगा आराम से दोस्त क्लियर है ना ये हो गया चलिए हाँ ये छोड़ देना आपको क्वेश्चन ड्यू मैंने वही बस वाला क्वेश्चन नहीं करना इसमें सीधे आंसर दे दिया है अब आ गए इसके फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आ बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आइए देखिए क्या कह रहा है कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, है ना फाइंड द डिस्प्लेसमेंट जीरो से लेके चार सेकेंड तक की डिस्प्लेसमेंट पहला क्या है जीरो से लेके चार सेकेंड तो भैया वेलॉस्टी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है डिस्प्लेसमेंट तो एरिया इक्वल टू तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो भैया लेंथ कितनी है जीरो से लेके चार लेंथ और ब्रेथ कितनी है पंद्रह बोलो हाँ तो चार गुणे पंद्रह कितने मीटर सिक्सटी मीटर तो पहला आंसर आएगा सिक्सटी मीटर आ गया अब जीरो से लेके एट तक की डिस्प्लेसमेंट देनी है तो जीरो से लेके ये जीरो से लेके फोर है और ये फोर से लेके क्या है एट है तो ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है नीचे वाली क्या होती है निगेट नीचे वाली निकाल लो चार से लेके आठ हो गया चार और ये पाँच चार पंचे बीस तो माइनस का कितना बीस तो सिक्सटी प्लस का और बीस माइनस का कितना हो गया फोर्टी तो आंसर कितना हो गया ये देखो फोर्टी हाँ है ना अब जीरो से लेके बारह तक लास्ट का और कर दो तो आठ ये चार बारह मतलब चार का गैप है और ऊपर तक कितना है दस तो चालीस हो गया दस चौके चालीस बोलो हाँ तो साठ और चालीस सौ और सौ में से बीस गए तो कितना एट्टी तो आंसर कितना हो गया एट्टी मीटर आ गया ना समझ में तो इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया देता है वो देता? क्या देता है ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट क्या देता है ठीक है डन एनी प्रॉब्लम चलिए ये देखो फर्जी क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस ये आएगा आपके स्कूल में है ना डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव है ना yes, और जीरो वाट yes, चलिए <coughs>

और एक्सलेशन क्या होगा माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलो बोले सोनो क्लियर है yes, खेल ख़त्म yes, चलिए बच्चों अब आगे के आप लोग कल यार खत्म करके लाओ मुश्किल से बीस क्वेश्चन बचे हुए हैं yes, है ना आई वॉन्ट ओनली डाउट देखो यार मैं पूरी शीट करा रहा हूँ आप लोग कल इसके डाउट निकाल के लाओगे ठीक ना न yes, हाँ बीस तक क्वेश्चन करीब बचे हुए हैं इनको खुद से करो yes, और जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए है ना क्वेश्चन ईजी है चलो धन्यवाद बच्चों